सो ही दे बॉयज एंड गर्ल्स एंड वेलकम बैक इट अगेन विद द न्यू वीडियो। एंड गाइस आप मतलब यार मुझे बिलीव नहीं हो रहा है लेकिन पोकेमोन स्कारलेट एंड वायलेट का एक तरह से एक ट्रेलर टाइप चीज कुछ आ चुकी है। लिटरली गाइस आज एपिसोड 133 एंड होने के बाद गाइस मतलब एक अचानक से एक अलग सा प्रियो है। मुझे पता नहीं किस एपिसोड का प्रियो है लेकिन बेसिकली हम इसे फिलहाल कहेंगे पोकेमोन स्कारलेट एंड वायलेट का प्रियो है बिकॉज उसके अंदर कुछ वैसे ही चीज़ है। उसके अंदर गाइस वो जो प्रियो है उसके अंदर टीम रॉकेट जा रही है गाइस पैल्डिया ऐसा उस प्रियो के अंदर। एंड उसके अंदर गाइस पैल्डिया का स्टार्डस प्री का टीटो भी है। तो सबसे पहले हम वो ट्रेलर देख के आपको उसका रिएक्शन एंड सब कुछ एक्सप्लेन करता हूं एंड उसके बाद हम उसके ऊपर प्रॉपर ब्रेकडाउन करेंगे। लेकिन ये तो कंफर्म हो चुका है कि पोकेमोन स्कारलेट एंड वायलेट का एनीमे आने वाला है। गाइस ये है वो स्पेशल स्कारलेट एंड वायलेट का ट्रेलर जो कि हम देखेंगे। टीम रॉकेट एंड म्याउथ का आवाज आ रहा है। देख सकते हैं टीम रॉकेट एंड म्याउथ गाइस पूरे मतलब ऐसे जो है सफारी में जो लोग जाते हैं वैसे इन्होंने कपड़े पहने यहां पे वे पोकेमोन पकड़ने के लिए आए हैं। बॉस के लिए न्यू पोकेमोन पकड़ने तो गाइस बेसिकली अभी जिस जगह पे ये बेसिकली पैल्डिया रीजन है। गाइस अगर आप जेम्स जो किताब पढ़ रहे अगर वो ध्यान से देखोगे तो इसके ऊपर वही स्कूल है बेसिकली जो कि पैल्डिया रीजन में होने वाला है। वो बड़ा सा स्कूल जो है उसी का यहाँ पे जो है फोटो है। वो गाइस स्प्रीगा टीटो जैसे कि आप देख सकते हैं स्प्रीगा टीटो पेका पेचा बेरीज खा रहा है बेसिकली देख सकते हो स्प्रीगा टीटो। एंड गाइस ये जो मुझे जर्नीस की तरह ही आर्ट स्टाइल लग रहा है। एंड देख सकते हो गाइस यहां पे एक मिनट यहां पे काफी अच्छी चीज दिखी मुझे। सो गाइस देख सकते हो यहां पे अगर आप जो जूम करोगे तो ये वही स्कूल है जो कि पैल्डिया रीजन में यानी कि बेसिकली पोकेमोन स्कारलेट एंड वायलेट गेम में जो स्कूल है यहां पे उसी की तस्वीरें जो कि मैंने पहले भी कहा था। तो यहां पे ये क्या कर रहे हैं हम देखेंगे। स्प्रीगा टीटो के बारे में जेम्स इन्फॉर्मेशन देकर है यहाँ पर बेसिकली ग्रास टाइप है वही सब इन्होंने पॉकी बॉल निकाल लिया मे भी स्प्रीगा टीटो को पकड़ने वाला है। स्प्रीगा टीटो ने कोई तो मूव यूज किया यार पता नहीं है कौन सी है अरोमा थेरेपी है क्या। एंड उस मूव से देख सकते हैं अचानक से ये तीनों सो रहे थे एंड तभी म्याउथ को कुछ हो गया। एंड देख सकते हो गाइस सतर्क हो चुका है स्प्रीगा टीटो मे भी अब ये भाग जाएगा। एंड गाइस देख सकते हो स्प्रीगा टीटो भाग गया। स्प्रीगा टीटो भी एक बिल्ली है ना ठीक है स्प्रीगा टीटो भी एक और बिल्ली पोकेमोन है। एंड गाइस दैट्स इट फॉर द स्पेशल स्कारलेट एंड वायलेट प्रीव्यू। सो गाइस बेसिकली ये था वो पोकेमोन स्कारलेट एंड वायलेट का ट्रेलर। हम इसे ट्रेलर तो नहीं कह सकते ये जस्ट एक मतलब एक प्रीव्यू था। इसके अंदर गाइस टीम रॉकेट जो है एक्सप्लोर कर रही थी गाइस पैल्डिया रीजन को। एंड गाइस आपको पता ही होगा सबसे पहले किसी भी न्यू रीजन में पहले गाइस टीम रॉकेट उड़ के पहुंच जाती है किसी ना किसी चीज़ की वजह से वो पहुंच जाती है। उसके बाद गाइस ऐश भी उसी रीजन में आता है एंड उसके बाद वापस से टीम रॉकेट ऐश के पीछे पड़ जाती है। ऐसा बहुत से समय से होते आ रहा है एंड आगे भी वैसा ही होगा। इसलिए गाइस ऐश से पहले गाइस जो है टीम रॉकेट पहुंच चुके हैं पैल्डिया रीजन एंड पहले जन वो पोकेमोन पकड़ने गई थी। एंड गाइस जेम्स के हाथ में हमने जो मतलब एक बुक देखी उसके ऊपर वही स्कूल था जो कि पोकेमोन स्कारलेट एंड वायलेट के गेम का मेन स्कूल रहने वाला है एंड इसी के ऊपर पूरा का पूरा एनिमे होने वाला है एंड ऐश भी यहीं पे जाने वाला है। तो यहाँ पे एक जो है नॉर्मल सा हमने एक मतलब जो है एक तरह से एक्सप्लोर वाला जो ट्रेलर था वो देख लिया। एंड गाइस एनिमे का जो हमने देखा आर्ट वर्क वो वैसा ही था जैसे कि पोकेमोन जर्नीज का था तो उससे कुछ खास फर्क तो नहीं पड़ता। लेकिन अभी भी गाइस और भी पोकेमोन जर्नीज के दो एपिसोड बचे हैं तो इस एपिसोड के अंदर जैसे वो स्प्रीगा टीटो को पकड़ने की ट्राई कर रहे थे मे बी नेक्स्ट एपिसोड में शायद से वो पकड़ने की ट्राई करेंगे फुई कोको को एंड लास्ट एपिसोड में वो ट्राई करेंगे पकड़ने की क्वैक्सली एंड उसके बाद पोकेमोन जर्नीज एनिमे खत्म हो जाएगा। एंड उसके बाद एक प्रॉपर ट्रेलर आएगा गाइस या फिर सीधा जो गाइस न्यू एनिमे की अनाउंसमेंट हो जाएगी यानी कि रिलीज डेट पता चल जाएगी। सो गाइस लेकिन बेसिकली टीम रॉकेट पहुंच चुकी है पैल्डिया इससे मुझे राहत मिली यानी कि टीम रॉकेट के पीछे ऐश भी वहां पे जाने वाला है। वरना गाइस अगर ऐश का यहां पे एंड सफर एंड होता तो यानी कि अगर ऐश की यहां पे जर्नी खत्म होती तो टीम रॉकेट को भी वो नहीं दिखाते बिकॉज टीम रॉकेट एंड ऐश बेसिकली
टॉम एंड जेरी की तरह, जो कि साथ में रहते अलग अलग नहीं रहते। एंड गाइस अगर बात करूं मैं इस स्कारलेट वायलेट के शॉर्ट प्रीव्यू की, तो इसके अंदर बताने लायक कोई ज्यादा ब्रेकडाउन करने लायक चीज नहीं, जो आपके सामने हुआ। बेसिकली टीम रॉकेट गई पोकेमोन पकड़ने के लिए, वहां पे उन्हें स्प्रिगाटिटो मिला, लेकिन स्प्रिगाटिटो के किसी अटैक की वजह से गाइस इनका मतलब आवाज हो गया एंड वो भाग गया। लेकिन गाइस मैं पर्सनली चाहता था टीम रॉकेट स्प्रिगाटिटो को पकड़े, या फिर यार आने वाले दो एपिसोड्स में अगर एंड में वापस से ये टीम रॉकेट का हमें ये एक्सप्लोरेशन वाला सीन दिखाया जाता है, तो इसका मतलब टीम रॉकेट और भी पोकेमोन को एक्सप्लोर करेगी एंड मे बी शायद से वो फुईकोको या फिर क्वैक्सली दोनों में से किसी पोकेमोन को पकड़ भी सकते या फिर कोई और पोकेमोन को पकड़ सकते हैं, बिकॉज टीम रॉकेट का रिकॉर्ड है कि वो हर रीजन में जाते हैं, उस रीजन के वो कोई ना कोई पोकेमोन तो पकड़ ही लेते। सो या दैट्स इट एंड गाइज, इससे हमें पता चलता है कि एनीमे कंटिन्यू होने वाला है, बिकॉज गाइज एक छोटे सी ये जो चीज़ थी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी जो कि आज आ गई एंड इसकी वजह से मुझे राहत मिल चुके। तो ये इस वीडियो को तो लाइक कर ही देना एंड इसे ही पोकेमोन जर्नी से जुड़ी या फिर पोकेमोन स्कारलेट एंड वायलेट के एनीमे से जुड़ी हर अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मुझे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।